Let's do question number 10th of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 10th is, how many terms of the AP, kitni terms AP ki, is AP ki, must be taken, li jaye, so that their sum is, jisse ki unka sum 693 aaye. Explain the double answer, aur hume double answer explain karna hai. To chaliye apni AP likh lete hain. AP thi hamari 63, 60, 57, 54 and so on, और हमारा sum कितना आना चाहिए था, 693 आना चाहिए था, वो ये कह रहा है. तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हमें क्या पता नहीं है, nth term कौन कितनी ली जाएंगी, कितनी terms ली जाएंगी. तो हम मान लेते हैं, let the required number of terms be n, राइट. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ एन एट टर्म का, दैट इज एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म, दैट इज 63, और डी क्या है हमारा, 60 में से हमने 63 माइनस किया, प्रीसीडिंग टर्म माइनस की, तो ये आ गया माइनस 3. तो एस एन कितना था हमारा, एस एन दे रखा है 693 आए, तो ये आ गया 693 इक्वल्स टू, एन हमें पता नहीं है, एन को हमने एन ही माना है, 2 इंटू ए हमारा है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारा माइनस 3. तो सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 की मल्टीप्लिकेशन 693 में हो जाएगी, इधर आ गया क्योंकि वो इंटू 2 इक्वल्स टू एन इंटू, अब 2 3 6 एंड 2 6 12 126 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन माइनस 1. देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, राइट. अब कितना है, 2 3 6 2 9 18 2 6 12 एंड 13 इक्वल्स टू एन इंटू, ब्रैकेट्स ओपन किए स्मॉल ब्रैकेट, तो ये आ गया 3n प्लस 3, राइट. तो अब 1386 इक्वल्स टू एन इंटू 126 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो ये आपस में ऐड हो गए, तो ये आ गया 129 माइनस 3n, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये है 1386 इक्वल्स टू 129n माइनस 3n स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब देखिए n स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी इधर ले आएंगे और ये भी इधर ले आएंगे, तो ये आ गया हमारा 3n स्क्वायर 129 माइनस का हो गया n प्लस 1386 इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ n के साथ 3 है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये देखते 3 4 12 3 6 18, गैस ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर 0/3 करेंगे तो 0 ही आएगा. तो अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दी, तो ये आ गया एन स्क्वायर माइनस 129 को 3 से किया, तो ये आया 43n. नाउ प्लस 3 4 12 3 6 18 एंड 3 2 6 इक्वल्स टू 0. अब हमें 460, अब फैक्टराइजेशन यूज करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन एन स्क्वायर में, तो ये आया 462 एन स्क्वायर. अब इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, तो 462 के फैक्टर्स निकाले, 2 2 4 2 3 6 2 1 2 3 से गया, 3 7 21 3 7 21 7 इंटू 11. अब फैक्टर्स ऐसे बनाते हैं प्लस माइनस करके, 43 आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, 2 3 6 एंड 6 7 42 होता है, ये नहीं हो पाएगा. और क्या बन सकते हैं, और देखते हैं, 7 3 21 एंड 22, 21 एंड 22 इज 43, यस. तो ये आ गया 22n एंड 21n, तो बड़ा वाला आपस में ऐड होंगे, तो दोनों का सेम ही साइन होगा जो मिड टर्म का था, तो ये आया एन स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इक्वल्स टू 0. अब n कॉमन आया, तो क्या बचा, n माइनस 22 बचा, और माइनस 21 कॉमन आया, तो क्या बचा,
n, बाहर माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो गए, तो 22 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 22 अगर कॉमन आया तो क्या बच गया, n माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो अब n की वैल्यू क्या क्या आ गई, n माइनस 22 को 0 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू आ गई 22, और n माइनस 21 को 0 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू आ गई 21, राइट। तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन द डबल आंसर कह रहा था वो, एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो इसका मतलब n की वैल्यू 22 टर्म और 21 टर्म आ गई है। इसका मतलब हुआ फर्स्ट 21 डिजिट्स का हो या फर्स्ट 22 डिजिट्स का हो, दोनों का सम 693 है, 693 ही बोल रहा था देखिए सम, तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ, छोटी क्या है 21 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, सबका सम कितना है 693। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि 21 टर्म्स का भी सेम नंबर हो और 22 का भी सेम ऐड करके सेम नंबर आए, क्यों होगा, ये तभी पॉसिबल है जब 21 के नेक्स्ट वाली टर्म जो 22 टर्म है वो ज़ीरो होगी, तो दोनों का सम, चाहे हम 21 टर्म्स को ऐड करें या 22 को ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा, तो हम क्या कह देते हैं, दस वी कैन से दैट आर 22nd टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी की कितनी है, इज 0 इज द आंसर।